Hello everyone, welcome back. Today we are going to cover up section number 151, which is for appointment of director elected by small shareholders. ठीक है, ऐसे director का appointment जिसको किसने elect किया है, elected by small shareholders. अब सबसे पहले question दिमाग में आएगा कि small shareholders कौन होते हैं, हम small shareholders director का appointment क्यों कर रहे हैं. तो ये सारे questions के answer हमें section 151 के अंदर मिलेंगे. तो सेक्शन 151 आपको पेज नंबर 1.19 ऑफ द स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट, अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स. तो एक तो पॉइंट इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया कि सेक्शन 151 की एप्लीकेबिलिटी कौन सी कंपनीज पर है, लिस्टेड कंपनीज पर है. अब उसमें एक और वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ है मे हैव, मतलब क्या ये मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज़ को स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को अपॉइंट करना. नहीं, मे हैव वर्ड लिखा हुआ है, मतलब अगर चाहे तो करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे. सो लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर, और कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे एज SSD, दैट मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर एक. So, listed company may have one director elected by the small shareholders. This provision enables the small shareholders to place their representative on the board of directors of a listed company so that their voice is also listened effectively. किस लिए करा जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि जिससे जो small shareholders हैं वो अपने एक तरीके से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा था ना डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है जिसको किसने इलेक्ट किया है, स्मॉल शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है. तो वो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सजेस्ट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भेजना चाह रहे हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, जिससे कि उनकी आवाज़ को भी कोई वहाँ पर सुन ले या उनकी बात भी वहाँ पर बोर्ड मीटिंग के अंदर रखी जाए. तो वो रखेगा कौन? वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर रख पाएगा, क्योंकि वो उन्हीं के जैसा होगा, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव होगा. उन्हीं के जैसा होगा ऐसा कहना सही नहीं रहेगा, आई शुड से कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उनकी आवाज़ बन के वहाँ पर जाएगा. ठीक है, सो अपॉइंटमेंट जो होगा वो किसी भी लिस्टेड कंपनी हो सकता है, और वो चाहेंगे तो ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोविज़न अप्लाई होगा ही होगा, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, देर इज़ नो कंपल्शन इन इट. ठीक है, अच्छा अब बात आती है, हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एप्लीकेबिलिटी पता चल गई, और हमें ये पता चल गया कि क्यों हो रहा है. अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कौन होते हैं. सो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का जो टर्म है उसका मतलब होता है एक शेयर होल्डर जिसके पास शेयर्स हैं विच इज़ अप टू 20,000 rupees वर्थ, मतलब जिस शेयर की, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो शेयर्स हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो मैक्सिमम अप टू 20,000 rupees है. तो उस केस में क्या होगा, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स कहलाएंगे. तो वही स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या कर पाएंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाएंगे जिससे कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सके. ठीक है, सो स्मॉल शेयर होल्डर्स की भी डेफिनेशन मिल गई, पता चल गया कि कौन होते हैं. वो होते हैं जिनकी नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कितनी होती है, अप टू 20,000 rupees. अब आते हैं मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट. सो किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो हमें रूल 7 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 में मिल जाएगा. सो दीज प्रोविजंस आर डिस्कस्ड बिलो. स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर. सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि कुछ नंबर ऑफ पीपल शुड रेज देयर वॉइस कि हाँ हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर चाहिए. नहीं तो अगर एक भी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बोल देगा तो क्या हम SSD को अपॉइंट करने का सोच सकते हैं? नहीं, एटलीस्ट कुछ नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स होने चाहिए ना, जिन्होंने इस चीज़ को बोला है कि हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर चाहिए. तो इसीलिए स्ट्रेंथ बताना ज़रूरी है. A listed company may upon notice of not less than, मतलब at least कितने लोगों ने नोटिस देना चाहिए, 1,000 small shareholders या फिर 1/10 of the total number of such shareholders, मतलब जो small shareholders हैं उनका 1/10, मतलब 10% of the shareholders, small shareholders, not all the shareholders, 1/10 of the small shareholders या फिर 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने अगर
क्या बोला, बोला कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इलेक्ट करवाना है, तो उस केस में ठीक है हम कंसिडर कर सकते हैं. सो अ लिस्टेड कंपनी मे अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस दैन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स. However, a listed company may opt to have a director representing the small shareholders suo motu, and in such a case, the provisions given below in point 2 shall not apply for the appointment of such director. तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि listed company या तो small shareholders के बोलने पर ऐसा कर सकती है, मतलब उन्होंने small shareholders ने क्या किया, notice दिया company को कि हम एक person को as a small shareholders director elect करना चाहते हैं, या तो ये होगा या फिर क्या होगा, company खुद ही चाह रही है कि हम एक small shareholders director को appoint कर देते हैं, तो कर सकती है. तो उसमें फिर लिखा हुआ है कि जो नीचे अब हम बात पढ़ने वाले हैं ना, वो उस पर अप्लाई नहीं होगी जब हम सुओ मोटो कंपनी क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है. ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो नोटिस देंगी, उसमें क्या क्या डिटेल्स देंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो जब कंपनी सुओ मोटो कर रही है तो नोटिस बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए पॉइंट टू वाले जो प्रोविजन है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा जब सुओ मोटो अपॉइंटमेंट हो रहा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं, सर्विंग ऑफ notice by the small shareholders. The small shareholders intending to propose a person as a candidate for the post of small shareholders director shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting under specifying the name, address, shares held and folio number of the person whose name is being proposed for the post of director and of the small shareholders who are proposing such person for the office of director. तो जो small shareholders हैं उन्हें कम से कम कितने दिन पहले, कम से कम 14 days पहले, जिस भी दिन meeting होने वाली है उससे 14 days पहले क्या करना पड़ेगा, एक person को जिसको वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसका नेम सजेस्ट करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा. किसके थ्रू, नोटिस के थ्रू. उनको एक नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि हम इस कैंडिडेट को चूज़ करते हैं टू बी द स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. ठीक है, और उसमें वो क्या लिखेंगे, उसमें अपना साइन करेंगे, अपने नाम लिखेंगे जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स ऐसा कर रहे हैं, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड, फोलियो नंबर, वो सारी डिटेल्स देंगे, और साथ ही साथ ही उस बंदे का नाम देंगे जिसको भी वो प्रपोज कर रहे हैं टू बी द डायरेक्टर, टू बी द स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. ठीक है, हाउएवर अगर पर्सन जो भी प्रपोज्ड है उसके पास ऐसे शेयर्स हैं ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जिसको आप प्रपोज कर रहे हो टू बी दी SSD, उस बंदे के पास अगर उस कंपनी के शेयर्स नहीं भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा भी शेयर होल्डर होना चाहिए. तो उस बंदे के पास अगर शेयर्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप उसके शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर की डिटेल नहीं दे सकते, तो वो आप नहीं दोगे. Statement to be annexed with the notice. The notice shall be accompanied by a statement signed by the person whose name is being proposed for the post of small shareholders director stating. तो जो बंदा proposed to be SSD है, जिसको small shareholders ने elect करने के लिए elect किया है to be the director, उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, उस नोटिस की कॉपी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा जिसमें उसको अपना डिन देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डिन. तो डिन देना पड़ेगा, प्लस उसको ये बताना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जो सेक्शन 164 में हमने पढ़े थे डिस्क्वालिफिकेशंस, और उसको कंसेंट देनी पड़ेगी. कंसेंट किस फॉर्म में दी जाती थी, DIR-2 फाइल करके दी जाती थी. तो इस चीज़ की भी उसको स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और उसको साइन करना पड़ेगा कि ये उसकी डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है. ठीक है, अब जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है वो किस तरह का डायरेक्टर होता है, वो भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है. सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे हमने जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशंस देखी थी कि क्या क्या चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो वो उसी तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह SSD
सकता है. ही शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, सो देयरफॉर ही शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टेनिंग टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज गिवन अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6. और जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अपनी इंडिपेंडेंस की, वैसे ही इस SSD को भी देनी पड़ेगी. सो ही शुड ऑल्सो गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 ऑफ द एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152. द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 एक्सेप्ट दैट. तो जो प्रोविजंस 152 के हैं वैसे ही लगेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी. जैसे कि जो डायरेक्टर है वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं है. ये एक नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होता है. कौन? SST. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी हमने जस्ट फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सारी क्वालिफिकेशंस को भी फुलफिल कर रहा है. तो हमने उस सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते, उसी तरह से SSD भी नहीं होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट, सच डायरेक्टर्स टेन्योर एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स. तो उसका टेन्योर बता दिया. टेन्योर कितना है? 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का टेन्योर है, उससे ज़्यादा का नहीं है. मैक्सिमम 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का. On the expiry of the tenure, the director shall not be eligible to be reappointed. Although non-rotational है, फिर भी जब उसका tenure ख़त्म हो जाएगा तो उसको आप reappoint नहीं कर सकते. इस चीज़ को लिखा हुआ है. Obviously, यहाँ पर आएगा cooling off period भी आएगा फिर. ठीक है. तो 3 points कौन से हैं जो बिल्कुल भी apply नहीं होंगे? जैसे कि वो liable to retire नहीं है by rotation, consecutive 3 years का उसका maximum term होता है, और जैसे ही term ख़त्म हो जाएगा उसको आप reappoint भी नहीं कर सकते हो. Next point. Applicability of section 164. A person shall not be appointed as small shareholders director of a company if he is not eligible for appointment in terms of section 164, which specifies the disqualifications for appointment as a director. So section 164 की applicability क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी person 164 की disqualification attract कर देता है तो obviously वो appoint नहीं हो सकता. ये तो हमें पता ही है कि वो director ही नहीं बन पाएगा. तो इसलिए section 164 is applicable. Next, vacation of office, जो हमने section 167 में पढ़ा था, वैसे ही अ पर्सन अपॉइंटेड एज SSD शैल वेकेट द ऑफिस. अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन वो बाद में इनकर कर देता है 164 वाली, तो भी वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा. उसका 167 उस पर अप्लाई हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है वेकेशन हो जाएगा. और अगर वो इंडिपेंडेंस वाले क्राइटेरिया जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में लिखे हुए हैं उसको भी सीज टू मीट हो जाता है, मतलब वो क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं करता, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, उस केस में भी वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा. तो वेकेशन ऑफ ऑफिस 3 सेक्शंस की वजह से होगा, 164, 167, 149 सबसेक्शन 6. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स जो हमने सेक्शन 165 में पढ़ा था, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजिशन. जैसे हमने 165 में वैसे डायरेक्टर्स के लिए पढ़ा था, इस वाले के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कहाँ पर लिखी हुई हैं? SSD के लिए सेक्शन 151 में ही लिखी हुई हैं. नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ SSD इन मोर दैन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम. मतलब आप 2 कंपनीज में तो SSD बन सकते हो एक साथ, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनीज में SSD नहीं बन सकते हो. अब 2 कंपनीज में भी बनने के लिए ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है. सपोज आपने 2 कॉम्पीटिंग कंपनीज के अंदर SSD बन गए तो नहीं चलेगा. सपोज आप इधर एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक ही टाइप की कंपनी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन दोनों पे आपने क्या बन गए? SSD बन गए. तो दोनों में नहीं बन सकते क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉम्पीटिंग है. ठीक है. तो इस केस में नहीं बन सकते. वैसे दो अलाउड है, लेकिन 2 के साथ भी देर इज़ अ कंडीशन कि वो कॉम्पीटिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए. सो हाउएवर द सेकंड कंपनी इन विच ही हैज़ बीन सो अपॉइंटेड शैल नॉट बी इन अ बिजनेस विच इज़ कंपीटिंग और इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कूलिंग पीरियड की बात करें तो वह स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस एस SSD इन अ कंपनी बी अपॉइंटेड इन और बी एसोसिएटेड विद सच कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी. किसी भी तरह से आप उस कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते, चाहे फिर डायरेक्टली हो रहे हो, इनडायरेक्टली हो रहे हो, किसी भी तरह से आप उस कंपनी से
एसोसिएट नहीं कर सकते कितने साल तक, 3 साल तक. 3 साल का ही टेन्योर होता है और 3 साल का ही कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं. सो हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 151 पढ़ा है. इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन, जिनकी शेयर्स की वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000 रुपीज़ होती है, तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर किसी पर्सन को इलेक्ट करते हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर SSD, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या प्रोसीजर होगा वो इसमें बता रखा है. पर्पस क्या है वो बताया हुआ है. एप्लीकेबिलिटी किस कंपनी पे, लिस्टेड कंपनी में है, वो भी बताया हुआ है. अपॉइंटमेंट कैसे होगा, या तो स्मॉल शेयर होल्डर्स इसको इलेक्ट करेंगे या फिर कंपनी सुओ मोटो भी कर सकती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन कंपलसरी सेक्शन, मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल सेक्शन. इसमें वर्ड मे हैव वन डायरेक्टर, और कितने डायरेक्टर्स रखने की रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट क्या है, ऑप्शन है एक, ठीक है. और वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नेचर का होगा, कोई भी रोटेशन नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 3 consecutive years का हो सकता है, और वो रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता. कूलिंग ऑफ पीरियड 3 years का है. वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाता है जब 164, 167, 149 सबसेक्शन 6 लग जाता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वो एज अ SSD वो कितनी कंपनीज में होल्ड कर सकता है, एज SSD तो वो 2 companies में ही मैक्सिमम कर सकता है. एट दी सेम टाइम उसमें भी एक कंडीशन है कि वो कॉम्पीटिंग कंपनीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब प्रोसीजर क्या होता है स्मॉल शेयर होल्डर्स का, तो उसमें सबसे पहली चीज़ लिखी है कि स्ट्रेंथ देखो, कि जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट या तो 1,000, या फिर जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उसका 1/10. सपोज 500 ही हैं आपकी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो 500 का 1/10 कर लो 50, तो 50 ने कर दिया चलेगा, ठीक है. तो वो क्या करेंगे, वो नोटिस सर्व करेंगे कंपनी को 14 डेज बिफोर दी मीटिंग, और उसमें बताएंगे कि उस बंदे का नाम क्या है, उसका एड्रेस, शेयर्स वगैरह क्या है, और बंदा क्या करेगा, साथ में डिक्लेरेशन देगा अपने डिन की, अपनी इस चीज़ की कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और अपना कंसेंट फाइल करेगा विद द कंपनी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. सो इस सब चीज़ों के बाद कंपनी मीटिंग में डिसाइड करेगी करना है नहीं करना. तो ये हमारा पूरा क्या है, सेक्शन 151. आई होप यू लाइक्ड इट. So this is all for today. Bye-bye.